राधे राधे एवरीवन। तो चलिए आज बनाते हैं सर्दियों में सर्दियों की स्पेशल डिश डिनर जो कि है तहरी। इसको आप लोग वेज पुलाव भी बोल सकते हैं। सर्दियों में तो इसका मज़ा ही अलग होता है। जब ढेर सारी सब्जियां होती हैं ना, गोभी वगैरह आती है, तब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए बनाते हैं तहरी और इंजॉय करते हैं, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं तहरी कैसे बनाती हूँ। तो तहरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है चावल, अच्छे से इसको साफ कर लिया है, गोभी, मटर, प्याज, टमाटर, आलू, और ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको मैंने इसमें कूट लिया है। और ये रहा चटनी के लिए, इसमें है टमाटर दिख रहे हैं आप लोगों को, अदरक, लहसुन है वो नीचे पड़ा हुआ है, धनिया, हरी मिर्च, इससे मैं बनाऊंगी चटनी। चटनी ज़्यादा बना कर रख लेती हूँ, 1-2 दिन तक चल जाती है। तो ये सारा हमारा सामान है पूरा तहरी का। तो चलिए फटाफट से तहरी बनाना शुरू करते हैं, टाइम भी हो रहा है और गर्मा गर्म फिर खाएंगे, बहुत मज़ा आती है ठंड में। अगर तहरी नहीं बनाई तो फिर मज़ा ही क्या। इसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग और डाल सकते हैं, जैसे गाजर डाल सकते हैं, बट मुझे गाजर पर्सनली नहीं पसंद तहरी में, क्योंकि वो मीठी मीठी हो जाती है, इसलिए मैं गाजर नहीं डाल रही हूँ। और न्यूट्रीनिगेट भी डाल सकते हैं, बट ऑलरेडी इतना सामान है तो मैं बस इतने में ही बनाऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकर रख लिया है गैस पे, और कुकर को अच्छे से गर्म करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। मैं क्या, हमारे यहाँ खाने में सरसों का तेल ही यूज होता है, क्योंकि घर का होता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, उस पर फिर मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने कूट कर रखा था वो डाल दूँगी। इसको कुछ सेकेंड्स के लिए भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ सेकेंड्स के लिए ही भूनना है। उसके बाद मैंने जो लंबे लंबे स्लाइस में जो अनियन कट करके रखे हुए हैं, प्याज, वो डाल दूंगी, और प्याज को भी अच्छा सा सुनहरा होने तक फ्राई कर लूंगी। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा ही पिंक पिंक सा होगा प्याज, बस उतना ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्याज है ये भी हो चुका है फ्राई, जितना मुझे चाहिए था उतना फ्राई हो चुका है। तो अब मैंने डाल दिए हैं जो मैंने आलू काट कर रखे थे वो, साथ में मैं डालूंगी मटर, और हल्का सा इसको चलाने के बाद मैं गोभी भी अभी ही डाल दूंगी, क्योंकि मुझे इसको थोड़ी सी देर के लिए फुल फ्लेम पे भूनना है। इस टाइम जो गैस की फ्लेम है वो एकदम हाई पे है, बिल्कुल भी मीडियम या स्लो नहीं है। तो इसको गोभी भी डाल दिया है, गोभी डालने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे ही मैं अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद जो मेरे बेसिक मसाले हैं वो मैं डालना यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर। मसाले आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च मैंने थोड़ी ही डाली, क्योंकि ऑलरेडी कुटी हुई मिर्च पड़ी हुई है हरी। उसके बाद ये जो सब्जी मसाले के पैकेट आते हैं, 2 पाउच मैंने ये डाल दिया है। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी डाला था, वो क्लिप पता नहीं मिस हो गई, कैसे हो गई मुझे नहीं पता। तो उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से नमक डालूंगी, थोड़ा सा ही डाला है अभी, बाकी चावल डालने के बाद नमक डालूंगी। तो मसालों को डाल के हल्का सा पानी डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, अच्छे से भून जाएँ। गैस की फ्लेम फुल ही है, बिल्कुल भी धीमी नहीं करनी। देखिए हमारे मसाले कितने अच्छे से भून रहे हैं, जो हमारा कलर भी है कितना प्यारा आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से भून चुका है। और उसके बाद मैंने जो चावल बीन कर धोकर रखा था अच्छे से, वो डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और आज की जो तहरी है मैं थोड़ी सी गीली गीली बना रही हूँ, नए चावल नहीं थे। अगर नए चावल होते तो मतलब नए चावल की मैंने नहीं बनाई है, मैंने पुराने चावल की ही बनाई है। अगर नए चावल की बनाएंगे तो वो और भी अच्छी बनेगी, बट गीले पुराने चावल की भी बहुत अच्छी बनती है। पानी मैंने एडजस्ट करा, थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना एकदम से गीली गीली तहरी बनाने खाने की इच्छा है, खिली खिली बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। और उसमें मैंने डाल दिए हैं जो कटे हुए टमाटर रखे थे, तो वो सबसे लास्ट में टमाटर डालने हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और बस नमक डालने के बाद मैं इसको ढक करके 1 सीटी आने तक इसको पका लूँगी। और 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद। तो जब तक कुकर की सीटी निकलेगी तब तक मैं यहाँ पर पापड़ सेक लूँगी। मैं डायरेक्ट गैस में नहीं सेकूँगी, डायरेक्ट गैस में सेकने से क्या होता है, पापड़ कहीं जल जाता है, कहीं कच्चा रह जाता है,
और कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा जल जाता है, एकदम खाने लायक नहीं रहता है। तो मैं हमेशा से पापड़ ऐसे ही सेकती हूँ, इस तरह से आप लोग भी सेक कर देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। तवे को हल्का सा ही गर्म किया था, बहुत ज़्यादा तवा गर्म करके अगर आप पापड़ रखेंगे तो पापड़ जल जाएगा, चिपक जाएगा तवे में, इसलिए मैंने तवा एकदम हल्का सा गर्म हो पाया था तो मैंने पापड़ डाल दिया था। और कपड़े की हेल्प से इसको घुमा घुमा कर पूरी चारों तरफ से हमें सेक लेना है, बहुत अच्छे से पापड़ सिक जाता है और बिल्कुल भी मुड़ता नहीं है। इस तरह आप लोग मसाला पापड़ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। तो बस पापड़ को घुमा घुमा कर सब तरफ से मैं सेक लूँगी। गैस की फ्लेम मैंने इस समय पर मीडियम पे रखी है, अगर हाई रखूँगी तवा बहुत गर्म हो जाएगा तो पापड़ नीचे से चिपकने लगेगा तवे में और जल जाएगा, इसलिए इसको घुमा घुमा कर मीडियम फ्लेम पे ही सेक लूँगी। बिल्कुल भी जलता नहीं है कहीं से भी, बहुत अच्छे से सिकता। देखिए पापड़ मेरा कैसे हल्का हल्का सा लाल होने लगा है और परफेक्टली ये सिकने लगा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और जो इस तरह से जो लोग सेकते हैं उनको तो पता ही होगा। तो बस देखिए मस्त अच्छा सा पापड़ जो मेरा है वो सिक चुका है, थोड़ा सा तवा ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए पापड़ चिपकने लगा था, मैंने गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया था। तो जो मेरा पापड़ है यहाँ पर परफेक्टली सिक चुका है, बहुत अच्छे से सिकता है और आप लोगों को भी इस तरह सेकना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी जलता नहीं है और अच्छे से सिक जाता है वो अलग। देखिए कितना मस्त मेरा पापड़ सिक चुका है। यहाँ पर अब कुकर की सीटी भी निकल चुकी थी, मैंने गैस इसको कुकर को खोल लिया। कलर देखिए, कलर देख के कुकर खुलते ही किसी किसी मुँह में पानी आ गया, मेरे तो मुँह में फिर से पानी आ गया, हालांकि मैंने कल बनाई थी, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस धनिया पत्ती डाल दी है इसमें, वो तो ज़रूरी है, बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कितना अच्छा कलर आया है ना, बहुत ही ज़्यादा, जितना अच्छा इसका कलर है ना उतनी ही टेस्टी ये बनी थी। तो बस फटाफट से गर्मा गर्म तहरी को हम लोग कर लेते हैं सर्व। गर्म गर्म ही अच्छी लगती, ठंडी हो जाने पर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। तो बस फटाफट से अपनी तहरी को हम सर्व करेंगे, इसके साथ इसमें डालेंगे हम लोग घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी। बिना देसी घी के तहरी अधूरी है, और घी थोड़ा सा टाइट था इसलिए मैं इस तरह से गर्म कर रही थी चम्मच को, और साथ में ही हरी ग्रीन चटनी। तो ये रही मेरी तहरी की प्लेट, तहरी है साथ में हरी धनिया की चटनी टमाटर की, ये भी बहुत यम्मी लगती है, साथ में है पापड़। तो आ जाइए आप लोग भी, और किस किस को मेरी रेसिपी अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लाइक कर जरूर कर।